गुजरात के सूरत शहर में लॉकडाउन लागू करा रही पुलिस पर लोगों ने किया पथराव। फिलहाल 5 लोग हिरासत में। इस घटना में एक पुलिसकर्मी घायल। सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ हिंसा को गैर जमानती अपराध बनाया है। साथ ही ऐसा करने वाले को 7 साल की सजा भी हो सकती है, लेकिन इसके बाद भी सुरक्षा कर्मियों पर हमले रुक नहीं रहे हैं। देश के कई हिस्सों से चिकित्सा कर्मी और पुलिस बल पर हमले की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला गुजरात के सूरत शहर में सामने आया है, जहां लॉकडाउन लागू करा रहे सुरक्षा कर्मियों पर लोगों ने हमला किया। सूरत शहर के डिंडोली इलाके में मंगलवार सुबह लॉकडाउन कराने की कोशिश कर रहे सुरक्षा कर्मियों पर कुछ स्थानीय लोगों ने कथित तौर पर पत्थर फेंके। इस घटना में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। सूरत के पुलिस उपायुक्त RP बरौत ने बताया कि जब हमें पता चला कि इलाके में कुछ लोग घूम रहे हैं और बंद के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हमने वहां PCR वैन भेजी। पुलिस ने जब लोगों से घर के भीतर रहने को कहा तो कुछ लोग भड़क गए। उन्होंने पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। उन्होंने बताया कि घटना में एक पुलिसकर्मी को चोट आई है। फिलहाल पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही डिंडोली के इस इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया है और स्थिति अभी नियंत्रण में है। સવારે PCR પેટ્રોલિંગમાં હતી અને રેલવે ટ્રેક પાસે પેટ્રોલિંગ દરમિયાન માણસો જે પાર ફરતા દેખાયા છે એટલે ગયા હતા, ત્યાં એ લોકોને દોડધામ થઈ હતી, એમાં કોઈ પડી ગયો, પછી બધા જે આજુબાજુ રહેતા હશે એ લોકો ભેગા થયા અને એમણે રેલવેને પટરી ઉપર જે પથ્થરો એનાથી પથ્થરમારો કર્યો હતો। એક પોલીસવાળાને ઈજા થયેલી છે, સારવાર કરાવેલી છે અને 5 માણસો બાકીને ફોર્સ પહોંચ્યા પછી 5 માણસો ડિટેન કરેલા છે અને ફરિયાદ લેવાની કાર્યવાહી ચાલુમાં છે। गुजरात के सूरत से शैलेश सिंह वाघेला की रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट, PDTV भारत।